नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों, पंचायती राज बहाली को लेकर के कुछ अपडेट्स आई हुई है, और क्या है अपडेट्स वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि पंचायती राज बहाली बिहार लेटेस्ट अपडेट ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस, जो कि 243 पोस्टों पर हुई थी वैकेंसी इसकी, उसी पर जो है ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, और इसका इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है वो भी आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप हर न्यूज़ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पुराने हैं उनसे मेरी तरफ से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको अब लिए चलता हूं जो कि आज ही के पेपर में दिया गया है, वो भी हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, और क्या है इसकी न्यूज़, मैं आपको सारी न्यूज़ आपको देने वाला हूं। तो चलते हैं इसके न्यूज़ पे। और न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक वीडियो है जो कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट का है, और परीक्षा का जो नई डेट है वो जारी हो चुका है, और किस तारीख में इसकी एग्ज़ाम होने वाली मैंने इस वीडियो में सारी बातें बताई हुई है। और दोस्तों, बिहार LRC रिक्वायरमेंट का है, जो कि बिहार अमीन की जो बहाली हुई थी, जो 1767 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी, और उसका जो लास्ट डेट था उसी के बारे में मैंने इसमें कुछ चर्चा किए हुए हैं, जो कि बिहार अमीन की जो है बहाली में हो सकता है पेच, और क्या है पेच मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस सारे वीडियो को आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों, हमारा एक मंदार महोत्सव 2020 की है, जो कि भव्य प्रोग्राम का है, जो कि बोसी मेला भाके में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, हमारा आई बटन पे इसकी जो है लिंक दी गई है, इसकी वीडियो दी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। इस सारे वीडियो मेरे व्लॉग वीडियो है, जो कि मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों, मेरे आई बटन पे भी आपको वह वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ उसके नोटिस पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पंचायती राज में 234 पदों पर विशेषज्ञ होंगे बहाल। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज हिंदुस्तान पेपर के न्यूज से लिया गया है, वो भी आज ही के पेपर में दिया गया है। और दोस्तों, मेरा एक और चैनल है, जो कि अगर आप लोगों को दिन भर की खबरें अगर जानना हो और उसे देखना हो, तो आप हमारे चैनल को उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जो कि मेरा चैनल जो गोपालपुर न्यूज़ चैनल है। मैंने आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक, डायरेक्ट आप उस लिंक को भी जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी दिन भर की खबरें होंगी मैं उस खबरें की उस चैनल पे मैं जो सारे खबरें जो दिन भर की उसे डाल देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग में 234 पदों पर विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों की बहाली जो है नियुक्ति कर ली जाएगी, और संविदा पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए आए सभी 4480 आवेदनों की छानबीन कर ली गई है। सप्ताह भर के अंदर सभी आवेदनों की सूची जो है विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और इसमें अभ्यर्थियों को का दावा आपत्ति का मौका भी दिया जाएगा। तो इस संबंध में विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कई ऐसे भी आवेदन हैं जिनके साथ आवश्यक कागजात अभ्यर्थियों में जमा नहीं किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक मौका विभाग देगी और वे आवश्यक कागजात लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। इसके लिए विभाग में कब आना है और इसकी सूचना जो है भी सूची होगी वो भी अपलोड उसकी वेबसाइट पे कर दी जाएगी। इनमें यह भी बताया गया है कि कौन से आवश्यक कागजात अभ्यर्थियों में ने जमा नहीं किए हैं, दावा आपत्ति का निराकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों के चयन के लिए कमेटी गठित की जाएगी, और गौरतलब है कि 6 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी नियुक्ति के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन विभाग से मांगे थे। हर घर जल नल नाली पक्कीकरण, पंचायत सरकार भवन निर्माण आदि कार्य में ये विशेषज्ञ सहयोग देंगे। तो जल्द होंगे ये सारी प्रक्रियाएं थी दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया।
और दोस्तों 234 पदों पर ये जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से जो है विशेषज्ञों को बहाल किया जाना है, और इसका ग्रुप डिस्कशन कब होगा और इसका क्या नोटिफिकेशन आएगा, और जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इसकी सूचना दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और इतना शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो के इंतजार कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो अपना नाम देख सके और इस वीडियो को वो देख सके। और दोस्तों मैंने जो कहा आपको कि गोपालपुर न्यूज़, मेरा एक चैनल जो था गोपालपुर न्यूज़, मैं उसको उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली भी उस लिंक पे जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि जो भी दिन भर की खबरें होंगे मैं उस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।